रात भले संजोगे रात भले संजोगे मैं सब कुछ पाया सुत बनता मैं सब कुछ पाया तुझ सब कुछ मैंने सौंपया सुत सब कुछ दे 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 पर वो देवनहार नू याद भी करे आज जिस समागम विच जुड़े हो ना ये देन वाले ने पहला दिता है अज तो उसकी याद अज तो उसका शुकराना करन लई एकत्र होया क्यों क्योंकि साडे चेत जहन विच एक चेता आया है किसी ने सानू ये सब कुछ दिता है मैं तो कई बार अर्ज करना एक ख्याल करो गुरबाणी अध्यात्मक जीवन का एक दृश्य है पर क्योंकि उस प्रभु ने संसार सिरजिया इसलिए संसार दुनिया प्रकृति का हर नियम भी उनका बनाया होया उनके नाल मिलता जुलता है गुरु ने बाणी विच एक था एक लफज वरते ते कहंदे नी ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਦਾ
आप देता है। गुरु बाणी कहते हैं संजोग मिला है, संजोगी मेला बड़ा, संसार प्रकृति का जिन्ना नियम है वो मिलाप से खड़ा, जिन्नी प्रोडक्शन है जिन्ना विकास है वो सारा मिलाप से खड़ा। आ पांच तत्व मिलते हैं तो शरीर बनता है, ते शरीर दे विच आत्मा मिलती है तो जीवन बनता है। विकास ते विकास जिन्ना है वह मेल तिखता है। इसलिए बाणी अंदर सतगुरु ने आख दिता कि सजोग विजोग दोए कार, जिन्ना प्रकृति संसार का निजम कहानी चल रही है ना वो संजोग विजोग ते चल रही है, उनका आरंभ संजोग है मिलाप। बल्कि गुरु ने इसे लिए ख्याल दे दिता, कह लगे जो दो चीज का मेल संजोग है, मेल ही संजोग है, जे संजोग ही मेल है तो फिर गुरु कहते हैं मैं इस मेल विच्चों ही अध्यात्मक चीज साध संगत पैदा कर देना। भाई गुरदास जी ने बड़ी खूबसूरत पिघला जदों तक इकला सी ना अजे संजोग नहीं सन बने उदों तक भी वो गुरु नाल जुड़िया होवे तां सिख है, वो सिख है। पर जदों वो मिल के दो हो जाण संजोग दे घेरे विच आ जाण फिर उहनां नूं कितें होर साध संगत जाण विच जाण दी लोड़ नहीं पैंदी। दोए साध संग भाई गुरदास कहिंदे एक सिख दोए साध संग। बल्कि सतगुरु दी बाणी दी इस लाइन ने इस गल नूं होर स्पष्ट कीता ते कहिण लगे संजोग मिला साध संगार, कदे न जाए करे बसाए। संजोग ने ऐसा पवित्र करिश्मा वरताया एक घर विच साध संगत बन गई। सात संगत जिस घर बन जाए उनके संबंध में गुरु आखते ने नाम लिधे नाम लिधे मेरे घर में आई राम, क्यों किमें आई, सब कुछ मैं सब कुछ पाया पर उनके लिए होया कि नाम दे आई राम। मैं तो कई बार हैरान सुनना कहना जदों कोई वीर जदों कोई परिवार मैरिज एनिवर्सरी मनाता है ना गल समझ सोचने वाली है, जदों कोई फंक्शन तो जीवन में बड़े आते जदों कोई घर मकान लैंदा है उदों भी फंक्शन करता है, जदों बच्चा जन्म लैंदा है उदों भी फंक्शन करता है, जदों बच्चा कोई डिग्री लैके आता है उदों भी खुशियां के फंक्शन होंगे, लोग संगत भी एकत्र होंगी है। पर एक ख्याल करो उन्होंने सारे फंक्शनों में अजकल
ਬੜੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦਾਨ ਦੀ ਗਊ ਨੂੰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਗਊ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਸੂਏ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਿਆਣੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਈ। ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕ ਦਾਨ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਲਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਉੱਥੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਬਦ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਹ ਵਰਤਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਸੋਭ ਸੇਤੀ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹਮਰਾ ਵਿਵਾਹ ਜੇ ਹੋਆ, ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਦਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਔਰਤ ਦਾ ਪਚਾ ਦੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਿਹਾਜਨ ਤੋਂ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਵਿਹਾਜਨ ਤੋਂ। ਵਿਹਾਜਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਕੋ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
दान तो नहीं होंगी। दुकानदार भी जरा उड़फुड़ करे तो आखी जा मैं कुछ फ्री नहीं ली, कीमत दिखती है। ऐसे उनकी विचार कीमत दिखती है। जनों कहने जी चीज खरीदी जाए तो खरीदी जड़ी चीज जाए उनकी कीमत देनी पैंती, वो फ्री की दान भी नहीं। गुरु ने व्याजन लफज व्या लफज वरते अंदर दान नहीं वरतिया। और तीजी चीज है समझने वाली है, जो कोई चीज खरीदी जाती है उनकी कीमत जड़ी है उस वस्तु की वैल्यू मुताबिक होती है जड़ी चीज खरीदनी। मूंगफली खरीदने को होर कीमत है, किसी हीरे हीरिया की दुकान तो ज्वेलरी की दुकान पर लैके जाए उनकी जेब में कुछ होर होना चाहिए। हर एक चीज की अपनी वैल्यू है। जड़ी चीज खरीदने आए तेरे को कीमत होनी चाहिए, यो कारण है कि वैल्यू की बनी। हम तू इस विहाज में गुरु साहब ने कितने आख्या उन्हें यह लहजा के आता गुजरे नहीं ताई बना दे मैरिज एनिवर्सरी की खुशी उस होंगी है जिंदे वरे बड़े चंगे गुजरे होंगे। चंगे गुजरन की निशानी भी तो कोई कारण भी तो होना चाहिए। चंगे गुजरन का कोई कारण भी तो होना चाहिए ना। गुरु ने कोई गल छुपा के नहीं कह लगे चंगे गुजरन की निशानी जो इस घर जीवन के घर एक एग्जाम्पल रब वालों परमात्मा की इस शरीर के घर जो रब प्रगट हो गया परमात्मा प्रगट हो गया आत्मा सुहागन हो गई। आत्मा सुहागण हो गया क्योंकि परमात्मा प्रगट हो गया। तो हम सुहागण की परमात्मा की आत्मा की निशानी मिलाप की खुशी की थी सी। सुखाले दिहाड़े बीतन का तरीका जरा हर एक समझ लेना चाहिए। उस दिन कहते हैं जो आत्मा सुहागन होंगी है ना उदो उनका सुभाग ही बन जाता है। जो कुछ परमात्मा में चंगा लगता है वही मेरे चंगा लगता है। जरा एक जोत दो जोत लफज की है विचारधारा गुरमत जोत का विचारधारा। गुरु जड़ा है शरीर जो बदलता सी उदो विचारधारा दूजे शरीर में चली जाती सी उसका ही नाम सी जोत। जुगत साए जोत की निशानी है जीवन जुगत करनी विचारधारा। जे दोवां जीवन की विचारधारा ही ना मिलती हो ना मिलती हो ते ऐसे लोग कभी 10-20-50 साल 30 साल बाद 40 साल बाद कभी आख के कि असी मैरिज एनिवर्सरी मना लीजिए क्या
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੰਜੋਗ ਆਖਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਚੰਗੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਤਾਉਣ ਜਿਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਧਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਜੋਗ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਜੋਗ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਏ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਰੋਜ਼ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਕਿ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਸਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੁੱਬਦਾ ਦੂਰੀ ਉਹ ਦੂਰੀ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਖਤਮ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਤ ਓਆ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧੰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਏਕ ਜੋਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਹੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋਤ ਹੀ ਤਾਂ ਜੁਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਏ ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ ਇੱਕ ਭਗ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਜੋਤ ਓਆ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੀਰ ਦਿਸਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਜੋਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਂ ਜੇਵਾਂ ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਾ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਨੇਤਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜਿਸਨੇ ਵੀ
मैरिज एनिवर्सरियां मनाउणियां ने ते इह 31 साल तक नहीं पता नहीं किन्ने वरियां तक चलणियां ने। हर बार 10-15 साल बाद मनुख दा दिल करदा है जिन्ने चंगे दिन गुजारे होने दा दिल करदा है मैं मैरिज एनिवर्सरी मना लो। मैंने इस कीती सी कि मैरिज एनिवर्सरी मनाना इस गल का प्रतीक हुंदा है कि उन्हें बड़े चंगे वरे बिताए ने। चंगे बड़े बीतने की निशानी यह होंगी है कि संजोग तो बाद सहयोग हो रहा है, एक दूजे का सहयोगी होना, उनकी हर औकड़ विच उनका साथ देना, क्योंकि जीवन एक लंबा पंध है। इस लंबे पंध अंदर दृश्य सीन इको जे नहीं रहते, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी कमियां होंगे ने, कभी बहुतात होंगी है। इसे तरह जीवन के पंध विच दृश्य भी बदलते हैं। मैं एक बार कीती सी क्योंकि जीवन चलता है, रुकिया नहीं, तो चलती कोई भी चीज होवे उनके विच कदे दृश्य एक नहीं रहिंदा। चलती कोई चीज हो दृश्य बदलता है, हर कदम बदलता है। इसे तरह जीवन क्योंकि चलता है, यह रुकिया हुआ नहीं। अब एक ख्याल करो, चलते जीवन में दृश्य भी बदलते हैं। पुराने समय अंदर काफी बना के लोग त्यों लग जाते सन, गुरु ने भी बाणी विच लफ़्ज़ वरते, कहन लगे मेरे सामने जंगल का सफर आ गया, बड़ा भयानक सफर आ गया, पर बार में डांगड़े अगले पास एक लफ़्ज़ थी सर, जिथे लफ़्ज़ आए ना बार में डांगड़े हुमस तुमस कुटों पलियां का वो सफर अभी आ गया। दूजे पासे कहता एक साथी लगन, इस औकड़ में जीवन के किसी मोड़ से भी एक साथी हो गए, साथी हो गए। मैंने तो हर गल विचार का सुभाव भी संसार अंदर एक पति स्त्री के रिश्ते को जीवन साथी क्यों आख्या गया है, हालांकि 20 साल 25 साल जन्म तो बाद रिश्ता बने, जीवन तो 20 साल पहले शुरू होया, 25 साल पहले शुरू होया जीवन, ते 25 साल बाद रिश्ता होया, ते उस रिश्ते का ना जीवन साथी बन गया है। जीवन के 25 साल उनके विच गिने नहीं गए, क्यों? क्योंकि वो अगला सफर जेड़ा वो जिम्मेवारियां दा हुंदा है, वो सफर जिम्मेवारियां दा हुंदा है, ते जिम्मेवारियां मनुख नूं चेतनता सिखांदियां ने। जिम्मेवारियां विच ही किसे दे साथ दी लोड़ हुंदी है, ते गुरु ने इसलिए कहता कि इक साथी लभदा है, उत्थे मैनूं साथी मिल गया जिन्हों जीवन साथी आख्या। अध्यात्मिक दुनिया में मेरा प्रभु जेड़ा है वो जीवन साथी, जय जय पेको मैं हजूर दूर तो तो ना जाए, जिथे भी हो उठे मेरे नाल मेरे नेड़े है। इसे तरह संसारिक जीवन विच पति स्त्री अपने जीवन का हर कदम इो मिला के तुरन, सहयोगी हो के तुरन, उन्होंने पता हो संयोग का दिन एक सी सहयोग का दिन रोज है, दिन चढ़ना है तो एक दूजे का सहयोग करने सहयोगी बनना है। तो जे जीवन गुरबाणी गुरमुख की अगवाई सहयोगी बन जाए तो विश्वास करो तो संजोग फिर एडे बलान बलवान हो जाते। बाकी कभी सोचो जीवन के जिस पड़ा से
यदि दोनों जीवन का सहयोग खत्म हो जाए ना उत्थे संयोग भी कमजोर पै जाए। संसार अंदर डायवोर्स क्यों हो रहे हैं? किसी मोड़ पे आते सहयोग नहीं रहा, संयोग कमजोर पै गए। इसलिए ख्याल करो जीवन अंदर कभी सहयोग कमजोर नहीं हो देना, ये जीवन की हर रोज की अगुवाई। गुरु कहने जे तुम सहयोग बलवान कर लोगे तो फिर संयोग इन्ने खूबसूरत लगेंगे, फिर संयोग इन्ने बलवान होंगे कि हर आया होया वरा तुहाडा चित करेगा असी मैरिज एनिवर्सरी मना लीए। क्योंकि इस संयोग ने, इस सहयोग ने सानू जीवन का पंथ सुखाला। मैनू जो जीवन में सुख मिले ने वो इस संयोग तो बाद नसीब होए ने। इसे भी गुरु ने अज वाले शब्द की अकेली लाइन में बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। वो जवाब पहली तो वक्त दे हालात सन, नव निधे नौ निधे मेरे घर में आइए। सब कुछ मैं सब कुछ पाया नाम ते आई राम। ये सारा शब्द पढ़न तो बाद अखीरली लाइन पढ़ो तेरे घर नाम निध किवें आए, तेरे घर सारे सुख किवें आए, तेनू सब कुछ किवें मिलिया, तू संतुष्टता दे पड़ा ते क्यों। तुसी किसे गृहस्थी को पुछो कोई आखो तेनू सब कुछ मिल गया, बड़ा औखा है कोई हिरदे ते हाथ धर के आखना नहीं सब कुछ मिल गया। हमेशा कोई ना कोई कमी मनुख समझदा मैनू आ चीज़ नहीं मिली, पर केड़ा महान है वो मनुख जिन्हू एक कहन का चांस मिल जाए कि सब कुछ मैं सब कुछ पाया। पर जे हुण सवाल खड़ा करिए कि वो नव निध तेरे घर किवें आई, तो सब कुछ तेरे घर किवें आया, इस गल का जवाब इसे शब्द की आखिरी लड़ कह लगे मेरा ते मेरे प्रभु दा भाव मेरे प्रीतम दा संग साथ मिल गया। ये इस करके आया संसार में सारे सुख उस घर विच पैदा होंगे ने जिथे मिलाप हो। गुरु ने यह गल आखिरी लाइन जवाब विच इशारे वजों कीती ते आख्या कहन लगे अध्यात्मिक तौर से प्रभु नाल मेल हो जाए, आत्मा पर आत्मा इको करे दी अवस्था उत्थे सहयोगी बन जाए, दोनों दी जोत जोत विचारधारा एक होए जुगत एक होए तो जीवन का अंदरला हिस्सा सुखी हो जाए। तो संसारिक तौर से जो दुनियावी तौर से देखिए तो जिस घर विच दोनों जीवन का प्यार ते संबंध एक विचारधारा एक करनी हो जाए एक सोच हो जाए वो घर जिहड़ा दोवां जीआं दे मिलाप तो सुखी हो जाता है। ये फैसला तां लफज वरत के गुरु इशारे वजों कर रहे हैं ते कहंदे ने
सब कुछ पाया, सब
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਭੇਦ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੰਯੋਗੀ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੋਗੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਚੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।